झारखंड हाईकोर्ट को 4 नए न्यायाधीश मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 5 नाम प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से 4 नामों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जिन 4 नामों को स्वीकृति मिली है उसमें गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद का नाम शामिल है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय विधि न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन नामों को कॉलेजियम की मंजूरी मिली है वे सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। जिन 4 लोगों के नाम की मंजूरी मिली है उनमें झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ, रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार, जुडिशियल अकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी और लॉ सेक्रेटरी संजय प्रसाद शामिल है। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 15 न्यायाधीश हैं। इन नए जजों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी।